गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपको हिंदी लिटरेचर का पार्ट 2 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती इस कविता की पंक्तियों को समझाने जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इसमें बताया गया है कि जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती और अंत में वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, यानी हमें लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दी गई है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। जो हिम्मत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। अगर हम लहरों से डर जाएंगे तो हम नैया कैसे पार लगाएंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार खिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें इसमें बताया गया कि हमें छोटे से प्राणी चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार वो छोटा छोटा दाना लेकर चलती है, दीवार पर चढ़ती है, 100 बार नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन उसके मन का विश्वास कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब वो चढ़कर गिरती है, फिर से गिरकर चढ़ती है, तो उसे 10 बार ऐसा करना पड़ता है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और अंत में वो और दुगने उत्साह के साथ फिर से प्रयास करती है और अंत में सफल भी हो जाती है। डुबकियाँ सिंधु में गोता खोल लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यानी सागर में जब गोताखोर डुबकियां लगाता है और उसे कुछ नहीं मिलता तो वो नाउम्मीद होकर वापस लौट आता है, लेकिन नाउम्मीदी होने के बाद भी उसे निराशा नहीं होती। वो दोबारा फिर उसी समुद्र में जाता है और अक्की सोच के आता है कि मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के ही लाऊंगा, भले उसे मोती ना मिले, लेकिन वो प्रयास करता है और दुगने उत्साह के साथ उसकी मेहनत सफल होती है और वो खाली हाथ कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि उसे कोशिश करी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज सफलता एक चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अगर जीवन में हमें असफलता या हार मिलती है तो उसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक चुनौती समझकर स्वीकार करना चाहिए और हमारे प्रयास में कहाँ कमी रह गई इस पर विचार करो और उस कमी को दूर करके फिर से कोशिश करो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। जीवन में प्रयास व संघर्ष करते रहो, क्योंकि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। मंजिल तुम्हें अवश्य मिलेगी, यदि कोशिश नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त होगी। जीवन में साहस धैर्य और प्रतिबद्धता के बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हिम्मत जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए और नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। एक बार अगर हमें हार मिल गई या पराजय मिल गई तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, दुगने उत्साह के साथ परिश्रम करना चाहिए। अब की सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। धन्यवाद।